नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे होंगे थोड़ा सेटअप अलग है। यूजुअली जो सेटअप होता है हमारा, जिस बैकग्राउंड में मैं रिकॉर्ड करता हूं वीडियोस और जो क्लासेस में लेता हूं, उससे थोड़ा डिफरेंट है। और वो क्यों है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारा SPW स्टूडियोज़। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ये हम लोगों ने अरेंज किए हैं और हमारा एक स्टूडियो हम लोगों ने बनाया है ताकि आप सभी लोगों तक थोड़ा क्वालिटी वर्क हम पहुंचा सकें। अब तक आपने हमारे चैनल पे लाइव रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी, कैमरा रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप सभी तक थोड़ा स्टूडियो क्वालिटी वर्क हम पहुंचाएं। इसलिए हमने SPW स्टूडियोज़ का निर्माण किया है। लेकिन ये सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, ये आप सभी के फ़ायदे के लिए भी है। इसी के लिए मैंने एक चीज़ सोची है कि इस SPW स्टूडियो को होम स्टूडियो की जगह प्रोफेशनल स्टूडियो बना दिया जाए। यानी कि इसमें जो हम प्रोजेक्ट्स अब बनाने वाले हैं, हमारे तो बनाएंगे ही, हमारे खुद के गाने, हमारी गज़लें जैसा कि आप सुनते आए हैं, वो सब तो इसमें बनेंगे ही, पर मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी तक भी इसकी फैसिलिटी पहुंचाऊं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा कोई लिखता है, बहुत अच्छा कोई कंपोज करता है, लेकिन उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो किस अच्छे स्टूडियो में जाकर अच्छा सा म्यूज़िक तैयार करें उसका। तो वो हम अपनी तरफ से उन लोगों को देना चाहते हैं और इसीलिए हमने मास्टर निषाद प्रोडक्शंस का भी निर्माण किया है, जो हमारा नया चैनल है मास्टर निषाद प्रोडक्शंस। उस पर वो एक ऐसा प्रोडक्शन चैनल है जिस पर हम हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका वर्क जो है वहाँ पब्लिश करना चाहते हैं। तो एक तरह से हमारी छोटी सी खुद की इंडस्ट्री हम बनाना चाहते हैं। ये हमारे मेरे पिता गुरु मेरे पंडित अवध किशोर पांडे जी का ख्वाब रहा है हमेशा से कि एक ऐसा चैनल हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ किसी को किसी और के पास न जाना पड़े, खुद का ही सारा काम हो, जैसे वीडियोग्राफी हो या फिर रिकॉर्डिंग हो, स्टूडियो का काम हो, लाइव रिकॉर्डिंग हो, गज़लें हो, भजन हो, गीत हो, कुछ भी हो। तो बस उन्हीं का ख्वाब मुकम्मल हम लोग कर रहे हैं और पूरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो SPW स्टूडियोज़ आपके सामने हैं। तो अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि आप कैसे अपना गाना बनवा सकते हैं हम लोगों से, और गाने बनता है तो क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, वो सब भी हम आपको इसमें बताएंगे, सिखाएंगे थोड़ा बहुत जो हमने सीखा है। हमारी पूरी टीम जो SPW की टीम है और SPW स्टूडियोज़ की जो टीम है वो अलग है, वो हम लोग सब मिलकर आप सबकी मदद करना चाहेंगे। अब देखिए, आपको किसी भी प्रकार का गाना बनवाना है, आपको अपना कोई कवर सॉन्ग बनवाना है फिल्मी, आपको कोई हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, आपको कोई भजन बनवाना है या भोजपुरी, जिस भी प्रकार का, या फिर आप गरबा बनवाना चाहते हैं, कोई गुजराती सॉन्ग बनवाना चाहते हैं, कोई गज़ल बनवाना चाहते हैं, कव्वाली बनवाना चाहते हैं, कोई ठुमरी रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, या कोई आजकल का मॉडर्न टाइप कोई गाना आपका मेन स्ट्रीम म्यूज़िक जैसा है, इंडी म्यूज़िक है, वो बनवाना चाहते हैं, हर तरह का म्यूज़िक हम लोग बनाते हैं। और मैं चाहूँगा कि हर तरह के म्यूज़िक को हम लोग प्रमोट करें, क्योंकि संगीत है, उपज है, हम क्रिएटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप कवर सॉन्ग्स ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं, मैं चाहूँगा कि आप ओरिजिनल म्यूज़िक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें। इसके लिए हम ये फैसिलिटी आप तक पहुँचाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है ये एक पेड वर्क होगा, ये मैं पहले ही बता दूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मेरा नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है उस पर मुझे मैसेज कीजिए और अपने गाने के बारे में मुझे सब कुछ बताइए, यानी उसके शब्द, उसकी कॉम्पोजिशन और किस प्रकार का गाना आप बनाना चाहते हैं, हम वैसा का वैसा आपको ट्रैक बना के देंगे। और फिर आप चाहें तो आप उदयपुर राजस्थान आ सकते हैं, जहां हमारा ये स्टूडियो है, जहां पर आप वोकल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपने हमारे सारे इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हम प्रॉपरली वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं और अच्छे से उसको मिक्स मास्टर करेंगे और एक अच्छा सा गाना आपका बनाएंगे। और आप चाहें तो आपका वीडियो सॉन्ग भी हम लोग बना सकते हैं, ये भी हमने सुविधा रखी है यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें इसीलिए अरेंज कर ली ताकि हर चीज़ हम खुद कर सकें, किसी और पर निर्भर ना रहें, और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने शुभचिंतक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों तक भी ये फैसिलिटी हम लोग पहुँचा पाएँ। तो आप, स्वागत है आप लोगों का। आप अपना कंसेप्ट लाइए, नए गाने लाइए और नई नई रचनाएं लाइए हम तक, और हम उसका गाना बनाएंगे, उसका ट्रैक बनाएंगे, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं। लाइव भी हो सकती है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, हर प्रकार का होता है। अब उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए वो आप हमें बताएंगे, उन इंस्ट्रूमेंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार का गाना आपको बनाना है, आपकी फिलॉसफी क्या है उस गीत के पीछे, वो थोड़ा सा आपको हमें एक्सप्लेन करना होगा, फिर हम उस गाने को और अच्छे से बना सकेंगे। वरना ये है कि खुद से हम कोशिश करेंगे, है ना, कि कैसा बन सकता है। तो एक नॉर्मल स्टूडियो में जो कुछ होता है वो ही हमारा काम भी रहेगा, लेकिन बस ये एक बेनिफिट है आप लोगों तक कि आप हमसे थोड़ा सा खुल के बात कर सकते हैं, और उसमें अगर कुछ कमी खामी हुई, कुछ कमी पेशी हुई तो वो भी हम आपको उसमें बता सकते हैं, है ना। तो एक ये एक बेनिफिट है आप लोगों तक। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए ताकि सारे कॉन्टैक्ट से मैं अच्छे से बातचीत कर सकूँ, वरना कॉल पर कई बार वो प्रॉपर बात हो नहीं पाती है।
तो SPW स्टूडियोज का यही इंट्रोडक्शन था, छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा इंट्रोडक्शन है। और अपने गाने भेजिए मुझे और गाना बनवाइए, उसकी जो भी आप अगर बोलें प्राइस बोलें या जो भी फी हम चार्ज करेंगे वो आपके गाने अनुसार होगी, उस पर निर्भर करेगा आपके गाने की लेंथ कितनी है, आपके गाने में इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, उसका जॉनर क्या है और कितनी मेहनत उसमें लग रही है। क्योंकि देखिए ये कोई ऐसी फिक्स चीज़ नहीं है जो मार्केट में गई और ख़रीद ली कि भैया एक 5,000 की चीज़ देना या 10,000 की चीज़ देना, ऐसा नहीं है। इसमें खर्च होता है काम अनुसार, है ना, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे अरेंजर्स हैं, जो काम करते हैं उनकी मेहनत पर निर्भर करता है, उनकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है कि वो अपना कितना इनपुट दे रहे हैं। अगर सब काम आपने थोड़ी हमारी मदद कर दी, जो डायरेक्शन है, म्यूज़िक डायरेक्शन है, वो अगर आपने दे दिया तो थोड़ा हमारा काम कम हो जाता है, हमको अपना दिमाग कम लगाना पड़ता है। लेकिन अगर वो आप बस हमारे सामने कॉम्पोजिशन और शब्द ला के दे दिया है तो फिर उस पर काम थोड़ा ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी टीम है हमारी। अब देखिए इसमें यह भी मुमकिन है कि आप हमें खाली कॉम्पोजिशन दीजिए, शब्द हम आप तक पहुंचा देंगे, हमारे पास राइटर भी अवेलेबल है, हमारे पास कॉम्पोजर भी अवेलेबल है, हमारे पास सिंगर भी अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि फीमेल सिंगर गवाएं, हम उनसे भी गवा सकते हैं। आप चाहते हैं मेल सिंगर, वो भी मुमकिन है, तो सारी सुविधाएं हैं। आप चाहते हैं कि भाई वीडियो सॉन्ग बनना चाहिए और उसमें लिप सिंक कोई और करे, उसका पूरी एक वीडियोग्राफी हो, एक कहानी लिखी जाए, वो भी सब मुमकिन है, वो भी सब हम लोग करते हैं। तो पूरा हमारा प्रोडक्शन हाउस है। तो बस यही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, आप कांटेक्ट कीजिए हम तक और कोई भी समस्या आती है तो फिर हम लोग वहाँ पर डील करेंगे। लेकिन हाँ, ये ख्याल रखिएगा कि ये थोड़ा खर्चे का काम है, ये मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ, ये काम ही खर्चे का है। अगर आप उमूमन भी किसी स्टूडियो में जाके अच्छी रिकॉर्डिंग अगर कराएं तो आपको कम अज़ कम 10,000 तक का खर्च होता ही होता है। उससे कम में अगर कोई आपका काम करके दे रहा है तो ठीक है, उसमें क्वालिटी थोड़ी सी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, फिर ऊपर नीचे हो जाएगी, पर कम अज़ कम 10,000 तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वाला आएगा, इंस्ट्रूमेंट वाले से हम रिकॉर्डिंग करवाएंगे। कोई तबला वाला आया, ढोलक वाला आया, फ्लूट वाला आया, तो उसका भी पर आर का चार्ज होगा, स्टूडियो रिकॉर्डिंग का पर आर का स्टूडियो चार्ज होता है। ये सारी वो बातें हैं जो आम जन नहीं जानता है, जो आम स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। तो मैंने ये क्योंकि सीखी हैं, जानी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, तो मैं आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ ये, है ना, कि ये होता है स्टूडियो में जब आप काम करते हो तो ये सारी चीज़ें लगती हैं, उनका इक्विपमेंट होता है, जो आर्टिस्ट के जो चार्ज होते हैं, है ना, ये सारे चार्जेस लगते हैं। तो थोड़ा खर्च इसमें होगा आपका, तो अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम आप तक पहुंचाएंगे हमारा वर्क। अब ये छोटा सा एक ग्लिम्स आपको इस वीडियो के एंड में मैं दिखा देता हूं, हमारा छोटा सा स्टूडियो टूर मैं आपको दे देता हूं, होम स्टूडियो ही है हमारा, तो आइए देखते हैं। Thank you.